प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आज हम चर्चा करेंगे 1 सितंबर 2024 की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? मेष राशि से मीन राशि पर्यंत 12 राशियों की चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। आज आपके राशि के अनुसार आपका लकी कलर, आपका शुभ रंग कौन सा रहेगा, अपनी राशि के अनुसार कौन सा दिव्य प्रयोग उपाय आपको करना चाहिए जो पूरे दिन भर आपको पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करेगा। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति क्या रहेगी, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना है, इन सभी बातों की चर्चा भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के साथ। 1 सितंबर 2024 दिन रविवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। प्रिय दर्शकों चतुर्दशी तिथि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज आश्लेषा नक्षत्र रात 9:49 तक रहेगा, उसके उपरांत मघा नक्षत्र होगा। परिग योग 5:50 सायंकाल का रहेगा, उसके उपरांत शिव योग रहेगा और आज विष्टिकरण होगा। प्रिय दर्शकों आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति को देखें तो आज राहु काल का अशुभ समय 5:06 से लेकर के शाम को 6:41 का रहेगा। आज गुलिक काल का समय दोपहर 3:31 से लेकर के 5:05 सायंकाल का रहेगा और आज अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:55 से लेकर के 12:46 मध्याह्न काल का रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें राहु काल में किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य को शुरू न करें। राहु काल अशुभ मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल शुभ मुहूर्त होते हैं। इन दोनों मुहूर्तों के अंतर्गत आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। गुलिक काल में दैनिक दिनचर्या से संबंधित कार्य करें और अभिजीत मुहूर्त के दौरान आप धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को कर सकते हैं। बात आज के दिशा शूल की करें तो प्रिय दर्शकों आज रविवार का दिन और आज का जो दिशा शूल रहेगा पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आज की जो यात्रा की सर्वश्रेष्ठ दिशा रहेगी वो पूर्व दिशा की रहेगी, आज पूर्व दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों यदि किसी आवश्यक स्थिति में आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से घी अथवा दलिया का सेवन करके सर्वप्रथम कुछ कदम आप पूर्व दिशा की ओर जाएं, उसके उपरांत यदि आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। ये रहा आज का पंचांग, आज के शुभ अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल। प्रिय दर्शकों आज मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा, इस पर हम कार्यक्रम में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात करेंगे आज के दैनिक राशि फल के कार्यक्रम की और शुरुआत करेंगे हर दिन की तरह वचक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। आज स्टडी से संबंधित विशेष लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोगों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन नई रणनीति के तहत आप कार्य करने की योजना बनाएंगे। आज कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी उत्तम स्थिति है। आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पारिवारिक सहयोग के बीच आज आप खूब इंजॉय करेंगे, देर शाम किसी खास पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। लकी कलर रहेगा आपका आज सैफ्रोन। उपाय के तौर पर आज के दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्यदेव को जल दीजिए, निश्चित ही आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। आज नौकरी के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कोई नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। आज राजनैतिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आज पारिवारिक सहयोग के साथ साथ धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। हालांकि आज के दिन आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होगी और भौतिक सुखों पर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कर्ज व ऋण से आपको बचना होगा। लकी कलर रहेगा आपका आज पिंक। उपाय के तौर पर आज के दिन ओम दुर्गायै नमः मंत्र का जप करते हुए मां भगवती का पूजन करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, आज कॉन्फिडेंस की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आज बिजनेस के क्षेत्र में
उतार चढ़ाव के बावजूद आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आज कोई नई डील आपके हाथ लग सकती है या किसी नए प्रोजेक्ट के तहत आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, बैक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, यानी पीठ के दर्द से आप आज थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं। वायरल फीवर, खांसी जुखाम भी आज के दिन आपको पकड़ सकता है, तो अपने खान पान का आज के दिन आपको ध्यान रखना होगा। लकी कलर होगा आपका आज क्रीमी। उपाय के तौर पर आज के दिन गौ माता की सेवा करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा, कुटुंब का सहयोग रहेगा। आज के दिन पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। आज किसी विशेष निर्णय को ले सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं, आज अपनी वाणी पर भी संयमता लगाने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। व्यर्थ के बोलने से और जल्दबाजी करने से आज के दिन आपको बचना होगा। कोई भावनात्मक निर्णय लेने से भी आज के दिन आपको बचना चाहिए। लकी कलर होगा आपका आज गोल्डन। उपाय के तौर पर आज के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल यदि आप चढ़ा दें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आज काम काज में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना होगा। यदि आज के दिन मानसिक रूप से आप शांत रहें तो निश्चित ही दिन आपके पक्ष में रहेगा। खान पान का ध्यान रखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लकी कलर होगा आपका आज ऑरेंज। उपाय के तौर पर आज के दिन केसर का तिलक करें, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, आज के दिन सतर्क सावधान रहें, बढ़ते हुए खर्चों की ओर जरूर देखें। आज के दिन ओवर खर्चा आपका हो सकता है। आज के दिन किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का कार्य करते हैं, पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा। आज के दिन छोटी मोटी यात्राएं भी कन्या राशि को देखने को, कन्या राशि के जातक हो तो आज के दिन आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। लकी कलर होगा आपका आज ब्लू। उपाय के तौर पर आज के दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इनकम के कई नए रास्ते आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। आज व्यवसाय से संबंधित लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आज स्टडी को लेकर के भी अच्छी स्थिति है, संतति का सुख प्राप्त होगा। आज के दिन प्रेम संबंधों की स्थिति में भी मजबूती आने वाली है। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातक हो तो आज आपको किसी भी प्रकार का आलस व कंफ्यूजन से बचना होगा। लकी कलर रहेगा आपका आज मजेंटा। दिन को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान पर भोजन से संबंधित दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आज स्थिति सामान्य रहेगी। बिजनेस के क्षेत्र में आज के दिन तरक्की देखने को मिलेगी। आज के दिन पेरेंट्स का सहयोग आपके साथ रहेगा, माता पिता का सहयोग रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष लाभ आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। लकी कलर रहेगा आपका आज पीच। उपाय के तौर पर आज जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आज आपके सभी कार्य बनने वाले हैं, भाग्य का सहयोग रहेगा। आज धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, सोची हुई योजनाओं में सफलता प्राप्ति होगी। आज के दिन किसी धार्मिक कार्य का आयोजन आप करवा सकते हैं, कुटुंब का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज के दिन
पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। लकी कलर रहेगा आपका आज लेमन। दिन को बेहतर बनाने के लिए आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। आज के दिन स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। आज पेट से संबंधित समस्याएं, घुटनों का दर्द या कमर से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि आप ड्राइव इत्यादि करते हैं, मकर राशि के जातक हैं, सावधानी पूर्वक ड्राइव करिएगा। आज के दिन आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। किसी गुप्त रहस्य की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं या किसी गुप्त रहस्य को सुलझा सकते हैं। लकी कलर रहेगा आपका आज लेवेंडर। दिन को बेहतर बनाने के लिए आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए उस समय ध्यान मेडिटेशन करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आज के दिन व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। आज बिजनेस के क्षेत्र में किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। आज कार्य क्षेत्र में कुछ नीतियों में आप बदलाव कर सकते हैं और आज के दिन कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। आज जीवन साथी का सहयोग आपके साथ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के दिन आपको किसी भी उतावलेपन से बचना होगा और आज के दिन जल्दबाजी करने से जरूर बचिएगा। लकी कलर रहेगा आपका आज डार्क ब्लू। आज अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान पर यदि आप मिठाई का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को आज थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। आज बढ़ते हुए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी कर्ज और लोन से आपको दूर रहना चाहिए। समाज के ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो कहीं ना कहीं आज परेशानी का सबब बनने वाले हैं। इसलिए आज अपने कामकाज पर फोकस करने की आवश्यकता है। अपना ध्यान केंद्रित करके कार्य करिएगा। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। लकी कलर रहेगा आपका आज ग्रीन। दिन को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणपति की आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा आज के विशेष कार्यक्रम की। प्रिय दर्शकों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। यानी आज के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज आश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे। दोनों ही नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र हैं, तो जो भी नवजात शिशु आज जन्म लेने वाले हैं, उन सभी की गंडमूल नक्षत्र की शांति जरूर करवाइएगा। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।